हाय गाइस कैसे आप लोग बढ़िया क्लास जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड वाइस सेकिलते हैं वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है दिल शुरुआत करते हैं अपने क्लास की ठीक है जस्ट वेट चलिए सब बढ़िया है जबरदस्त है बहुत बढ़िया सब कुछ ओके है परफेक्ट है जबरदस्त है माइंड ब्लोइंग है ठीक है कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत बताइएगा ठीक है जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं तो कल आपकी पहली क्लास हुई थी और आई होप आपको कल की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा कुछ बेसिक डाउट है स्टूडेंट्स के और जो भी डाउट रहते हैं मैंने आपसे पहले भी कहा है कि और हमेशा कहा है कि जब भी आपको डाउट आए चाहे आप लाइव देख रहे हो चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो मान लीजिए क्लास आपकी हुई आप नहीं देख पाए और आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी तो आपको वहां डाउट आया तो आपका व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है उस व्हाट्सअप पे आप अपने डाउट को भेज सकते हैं और वो जब भी होगा आपके क्लास के एंड में या आपको फोन के थ्रू या जैसे भी रहेगा आपके उस डाउट को क्लियर किया जाएगा ठीक है एक क्वेरी और भी आ रही थी कल मैंने यूट्यूब पे क्लास अपलोड की थी, थी तो कई बच्चों क्वेरी आई कि सर क्या इसमें बेसिक साइज इंजीनियरिंग होगा जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है कि कोर्स में क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ठीक है तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको डेली बेसिस पे फॉलो करिए आप ऐसा ना हो कि आपने एक दिन यहाँ फॉलो किया एक दिन कहीं और फॉलो किया जिसको भी करिए आप लेकिन उनको डेली फॉलो करिए तो इसमें आपका जो है वो आपका सीबीटी टू आपका जो एल का होने वाला है उसमें आपका जो पार्ट ए एंड बी है पार्ट ए में जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जिसमें आपका ड्राइंग है आपका फिजिक्स है आपका एनवायरमेंट है ये सभी कवर किया जाएगा और साथ में आपका जो पार्ट बी टेक्निकल आपका जो चल रहा है वो यही है आपका ठीक है तो चलिए आप सभी का बहुत स्वागत है इस क्लास में और उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी आपको समझ में आएंगी तो चलिए फटाफट निकलते हैं जो पीछे हमने रिवाइज किया था शुरुआत कीजिए ना भाई चलिए शुरू करते हैं तो पीछे में जो रिवाइज किया था फटाफट देख लेते भाई हमने क्या क्या पढ़ा था कल तो कल हमने देखा था भाई कि इसका बेटिस कितना इंपॉर्टेंट है ये कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है इसको करने से आपको काफी कुछ जो मार्क्स आपके होते हैं वो आपको मिलने वाले हैं इसमें कोई दो राय नहीं है सो तो आगे बात करते हैं हम की भाई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपके कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे कल हमने देखा था चार्ज करेंट वोल्टेज पावर एनर्जी रेजिस्टेंस ये सब आपके टॉपिक आने वाले हैं जो अपकमिंग डेज है उसमें आपका ठीक है आगे बात करते हैं तो आपका मैग्नेट और आपका टेम्परे परमानेंट आपका हो गया फिर आपके में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैं, हैंड हैंड राइट रूल आपका सभी ये आने वाले हैं चलिए आगे बात करते हैं हम लोग की भाई आपका चार्ज क्या होता है करंट क्या होता है वोल्टेज क्या होता है ये सब आपने देखा था कारण ये है कि मैं आपको अगर स्टार्टिंग में ये स्लाइड दिखाऊंगा तो कल की जो क्लास आपकी है वो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगी एक बात और है कई बच्चे ये भी कंफ्यूज है कि सर पार्ट स्टेज वन तो नॉन टेक है स्टेज टू टेक्निकल है तो कैसे मैनेज करें देखिए स्टेज वन नॉन टेक आपका है मैंने आपसे पहले भी कहा है नॉन टेक आपका अच्छा है तो नॉन टेक में आप मॉक टेस्ट देते रहिए और साथ में टेक्निकल करते रहिए इसके अलावा इसका एक प्रॉपर आज वीडियो आने वाला है यूट्यूब पर आज आपकी नौ तारीख है तो आपको आज एक वीडियो पे वीडियो मिलेगा बात करते हैं यहाँ पर तो वेक्टर क्या होता है स्केलर क्या होता है हमने देखा था आवेश हमारे कंजर्व होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होता है सोडियम और क्लोरिन का हमने एग्जाम्पल लिया था वहां पर हमने देखा था भाई इलेक्ट्रॉन के आने जाने से क्या होता है मेटल क्या होता है नॉन मेटल क्या होता है इनर्ट गैसेस क्या होती हैं ये सब बातें हमने कल की थी और यहीं तक हमारा टॉपिक कवर हुआ था तो आज हमारी चर्चा होगी क्या इसके आगे फर्दर और हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की शुरुआत अभी से चलिए तो बात करते हैं मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नोट्स आपको दिए जाएंगे और जितना हो चुके हम प्रयास करेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाए कभी कभी मान लीजिए अगर हो गया तो मैं उसको हिंदी में ही लिख दूंगा उसके लिए आप निश्चित रहिएगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे ये गारंटी मेरी है चलिए तो बात करते हैं क्या लिखा हुआ है आपका वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों में थोड़ा सा फर्क है चार्ज आप एक शब्द है जो यूज करते हैं हर जगह पे किसी ने पीछे से आपको एक थप्पड़ मार दिया तो आप चार्ज हो जाते हैं ना कितनी में चार्ज हो गया कोई आप ड्रिंक पीते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आपका स्टिंग जो आजकल आ रहे हैं ये सब भी क्या बोलते हैं भाई की हाँ इसको पीते ही हम चार्ज हो जाते हैं चार्ज एक शब्द है जिसको हमने यूज किया अपने इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक चार्ज में क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होने वाला है दैट्स ठीक है सो so, बात करते हैं क्या भाई स्केलर क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपका जो होता है वो आपको मिलता है कहने का मतलब यह है कि यह है एक आपका क्या है द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वो अति भौतिक राशि जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोड्यूस होता है अब कारण ये होता है कि सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता कैसे है तो मुद्दे बात यह भी है तो देखो होता क्या है कि आपका जो चार्ज होता है अगर मैं आपसे बोलूंगी भाई आपका चार्ज है क्यू जो आपका क्यू चार्ज है आपका आवेश है क्यू से आपको पता है बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र मिल देते हैं बोल देते हैं आप या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं कैसे भाई जो आपका चार्ज होता है वो अगर है उसके आसपास एक क्षेत्र आपका एक एरिया डेवलप होता है एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र क्योंकि तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके द्वारा जो भी उत्पन्न होगा वो वैद्युत क्षेत्र ही होगा ना अब मुद्दा ये आता है कि सर ये तो समझ में आता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन जो आपने बोला अभी कि आपका मैग्नेटिक वाला पार्ट भी यहां पे कवर होता है वो कैसे तो आप खुद सोचिए कि अगर चार्ज आपका मान लीजिए अगर आपका चार्ज जो है वो इसकी जो वेलोसिटी है मैं यहां पर लेता हूं इसका जो वेलॉसिटी यानी इसको बोलते हैं स्पीड बोल दीजिए वेलॉसिटी बोल दीजिए या गति बोल दीजिए बात एक ही है अगर वेलॉसिटी जीरो है इट मीनस ये क्या होगा आपका इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलेंगे जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसको लिखेंगे हिंदी में क्या कि भाई स्थिर वैद्युतांक मतलब वैद्युत आपका स्थिर वैद्युत बोल सकते हैं आप ठीक है यानी कि अगर आपका चार्ज जो है अगर रुका हुआ है वेलोसिटी जीरो में रुका हुआ है अगर वो रुका हुआ है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक मतलब कि उसके रुकने से वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है दैट्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपका वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है मीन क्या है आपका जीरो नहीं है लेकिन ये आपका लीनियर है जिसको बोलते हैं आप रेखीय या बोल सकते हैं कांस्टेंट है या फिक्स्ड है आप बोल दीजिए लीनियर आप बोलिए आप ज्यादा बेटर रहेगा लीनियर शब्द यहां बोलना चाहिए नहीं है आप बोल दो क्या कि भाई आपका कांस्टेंट कांस्टेंट बोल दीजिए या बोल दीजिए समान अगर ये समान है कांस्टेंट है यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड इस हिसाब से वो कंटिन्यूस चल रहा है तो वहां पे क्या होता है आपका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही रहता है साथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है क्या जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है वैद्युत क्षेत्र जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र और आपका वैद्युत क्षेत्र दोनों साथ में होते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहां पे आपका आ जाता है अब ये कैसे होता है क्या होता है इसकी चर्चा आपकी डिटेल में होगी जब हम लोग पढ़ेंगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव जो कि पूरा आपका मैग्नेट है जो कि आपका लास्ट मैंने बताया था ना लेंज लॉ फेराडे लॉ जितना भी है आपका सब कुछ वहां कवर होगा तो यहां से क्या देखा आपने कि आपका जो अः चार्ज है अगर वेलोसिटी उसकी उसका अगर जीरो है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर जीरो नहीं है और वो कांस्टेंट है समान है तो मैग्नेटिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगा वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र चुंबकीय दोनों होगा लास्ट बात करते हैं कि मान लो आपका वेलोसिटी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन जो आपका वेलोसिटी है वो वेरिएबल है यानी कि वो चेंज हो रहा है परिवर्तित हो रहा है वेरिएबल मतलब कि आपका बदल रहा है अचर अच्छा हो रहा है कहीं बदल ना, बदल रहा है आपका जस्ट वेट क्या होगा भाई आपका यहां से बदल रहा है अगर बदल रहा है तो आप खुद सोचो कि जो इस केस में है आपका जो पहला केस था यहां पे दोस्त आपका जो पहला केस ये यह है यहां पे आपका एसेलरेशन कितना होगा जो आपका ये केस है यहां पे जीरो होगा यानी त्वरण आपका जो आपका एसेलरेशन होता है उसको बोलते हैं त्वरण आप उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी किस केस में आपका सेकंड केस में क्योंकि तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है और आपको पता है कि भाई जो आपका स्कूटर होता है आपका जो स्कूटी है कार है जो भी आपके पास अवेलेबल है अगर आपने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको चला रहे हैं आप उसमें आपने वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं किया कोई भी बदलाव नहीं किया तो क्या होगा आपका एक्सिलेरेशन आपने दबाया ही नहीं आपने घुमाया ही नहीं जब आप इसीलिए उसका नाम है ना आपका इसीलिए तो उसका नाम पड़ा एक्लेटर आप उसको हिंदी बोलते हैं तोरण आप बोलते ना कि भाई एक्सीटर घुमा ताकि स्पीड बढ़े तो यहां पर क्या होगा आपका ए जीरो हो जाएगा लेकिन जो सेकेंड केस आपका दिया हुआ है क्या यहां पर ए जीरो होगा भाई साहब नहीं होगा ए आपका जीरो नहीं होगा यानी कि आपका जो स्पीड है कभी दस हो रहा है कभी बीस हो रहा है कभी तीस हो रहा है और ये कब होता है कई सारे कारण हैं अगर आप चल रहे हैं बाइक से साथ में कोई और निकल गया बगल से ठीक है तो क्या होता है स्पीड बढ़ जाती है कि कैसे वो आगे गया तो आपकी जो एज होती है ये वाली इसमें क्या होता है कि आपको प्रोवोक करना आपको उत्तेजित करना आसान है फर्ट से आप हो जाएंगे लेकिन जैसे ही आपकी एज बढ़ती है चालीस पैंतालीस पहुंचते हैं तो आपको आराम से रिलैक्स चलते हैं आप ठीक है तो आते हैं मुद्दे पर ए अगर आपका जीरो नहीं है मीन यहां पर क्या होगा अब आप बोलेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इसको बोलते हैं रेडिएशन यहां पे क्या होगा आपका रेडिएशन होगा इसको बोलते हैं विगर बोल देते हैं आप यानी कि आपका ये ईएम वेव की भांति व्यवहार करेगा यानी कि आपका एक तरंग बन जाएगा जो आपका एंटीना जो काम करता है ना वो इसी प्रिंसिपल पे करता है मेरे दोस्त एंटीना आपने देखा होगा ना क्या होता है एंटीना आपने देखा होगा कई बार आपका जो वायर है अगर मैंने उसको ऐसे लिया और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया और एक बार आपका सीधे ऐसे दिया हुआ है अब तो आप ये बताओ रेडिएशन किसमें होगा ये आपका ए पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है बताओ भाई जस्ट वेटिबा चलते भाई क्या हो गया दिक्कत तो नहीं है हाँ बहुत बड़े हाँ इसलिए हाँ, क्लास आपकी जो है ना बारह बजे से क्लास कर दी गई है ताकि ये जो स्टार्टिंग में थोड़ा थो बोर्ड का इशू है ना स्क्र में थोड़ा सा जानते है, हो हैं नई सेटिंग होती है तो थोड़ा सा हमको भी सीखना होता है हम एक्सपर्ट तो है नहीं इसमें ठीक है तो इसलिए बाकी क्लास आपकी जो रहेगी अभी बारह बजे दोपहर चलेगी डेली बेसिस पे ठीक है ऐप पर मंडे टू फ्राइडे बाकी कुछ भी रहा तो आपको टाइम टेबल में दिख जाता है कि आपका जो अपकमिंग टाइम टेबल है दिन में ही रहेगा ठीक है ताकि अपना प्लान कर सके आप नॉन टेक का और टेक्निकल दोनों का ठीक है आते वापस यहां पर सो क्या देखा आपने की एकदम सही बोला आपने की भाई ए में आपका होगा ए में जो आपका है इसमें आपका रेडिएशन होगा क्यों क्योंकि तो यहां पर आप आएंगे तो यहां पर वेलोसिटी आपकी हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी चेंज लेकिन बी में आपका रेडिएशन नहीं होगा तो ये तीन तरह की बातें हैं जो भी आपने सीखी मैं फिर से आपको बता देता हूं यहां आपने क्या बोला कि भाई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दोनों होता है तो मैग्नेटिक कैसे होता है क्यों होता है इसको समझने के लिए हमने ये देखा और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को प्रॉपर विजुअल है ना कर लो भाई या पेन को थोड़ा मोटा करें देखिए ऐप पे तो प्रॉपर दिख रहा है यूट्यूब पे जब अपलोड होगा तो मे भी सोचता है कि आपको हल्का सा दिक्कत हो लेकिन दिख रहा है आपको दिक्कत नहीं आएगी दिखेगा दिखेगा ठीक दिखे है चलिए बहुत बढ़िया बाकी रहेगा तो मैं थोड़ा मोटा कर लूंगा डॉभा तो ये आपका हो गया ये पूरी चैप्टर अब यहाँ पे ये सभी इंपॉर्टेंट है याद इसको लिख लेना अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए फटाफट तो नेक्स्ट आपका आता है इसमें आपका कि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप देखो ध्यान से यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन इन एन ऑब्जेक्ट आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑब्जेक्ट में एक्सेस एक्सेस और लैक ऑफ ऑफ चार्ज चार्ज इज इज एन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड नेगेटिवली जो कल आपने देखा था कि भैया जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है अगर किसी भी पदार्थ में ज्यादा है तो नेगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा अगर कम होगा तो पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा कल आपका एग्जाम्पल बताता हूं मैं फिर आगे बढ़ते हैं इसको ये आपने कर रखा है एन आपका है तो एन बनता है यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है Deficiency of इलेक्ट्रॉन ठीक है सी एल से आपका सी एल माइनस हो गया यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।, है यहां क्या आपका ज्यादा है क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे देखा हुआ था आगे आते हैं आपका कुछ प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज क्या है पहला आपका

टोटल चार्ज कितना होगा तो भैया टोटल जो आपका आवेश या टोटल चार्ज आपका जो होगा क्या करेंगे आप इन सबको जो आपका साइन है जो आपका चिन्ह है उसी के हिसाब से इसको आप ऐड कर देंगे कैसे भैया प्लस का थ्री हो गया माइनस का फाइव हो गया प्लस का सेवन हो गया क्या देखा आपने सात तीन दस दस में से पांच गया कितना है भैया आपका पांच गुलाम आपका कैसा आ गया प्लस का आपका पांच गुलाम आपका प्लस का आ गया आंसर तो ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं ताकि हम हर एक पॉइंट को कवर कर सके कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना किसी भी चीज को लेके ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं बोलते हैं नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों का संरक्षण या तो ये ना तो क्रिएट किया जाते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं ये बस एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं ठीक है चलिए यहां तक तो किसी दिक्कत नहीं किसी को कहीं कोई दिक्कत होगी मैं फिर से बोल रहा हूं अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं जब ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी प्रोसेस होने के बाद तो आप व्हाट्सअप पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं कि सर डे टू में जो आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया है उसमें मुझे ये समस्या है आपकी समस्या का निवारण पक्का होगा गारंटी के साथ आपके जो डाउट रहेंगे वी विल क्लियर दैट डोंट वरी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भाई क्वांटाइजेशन क्या होता है आपका चार्ज का परिमाणीकरण आपने कल एक फॉर्मुला देखा था याद होगा आपको क्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्त आपका एन ई e होता है यानी जो आपका चार्ज होता है कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होता है जैसे कि आपका 1.5 1 फाइव वन इस सब में ये अलाउ नहीं होता है ये हमेशा किसमें होगा आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे आपका जाता है ठीक है अब इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई कि आपका एक Uh, कोई भी आपका मेटेलिक रॉड है उसके पास इतना चार्ज अवेलेबल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं मतलब ये टोटल चार्ज कितना होगा मान लो मैंने आपसे बोल दिया यहीं पर कि आपके मान लो दस इलेक्ट्रॉन हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा बताओ भाई क्या करेंगे आप टेन इंटू वन पॉइंट सिक्स टेन की पावर माइनस में नाइनटीन आपका ये हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स टेन की पावर माइनस में एटीन आपका ये हो जाएगा चार्ज टोटल जो उसके पास अवेलेबल है बात समझाई नहीं समझा तो भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका चार्ज इज स्केलर क्वानिटी आपने कल देखा था मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था क्यों ऐसा है क्योंकि भाई मान लो प्लस प्लस आपका यहां यहां पे है इसको उठा के मैंने यहां रख दिया तो ये ही रहेगा वो चेंज नहीं होगा एक डाउट आपको भी आ रहा होगा पक्का कि सर जब ये स्केलर क्वांटिटी है जब ये अधिस राशि है तो उसमें प्लस और माइनस कैसे आ रहा है बस यही है कि भाई प्लस माइनस कैसे आ रहा है सिंपल सी बात है आप पांच लिखते छह लिखते बात खत्म हो जाती ये आपको भी क्लियर होगा जब आप पढ़ेंगे धारा करंट पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक करंट तो वहां आपको ये चीज समझ आएगी अच्छे से उसके लिए आप छिशन रहिए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ भाई आपका लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं रिपेल करते हैं जैसे मान लीजिए आपका प्लस क्यू है और आपका ये प्लस क्यू है तो क्या करेंगे आपस में ये दूर भागेंगे भाई साहब अगर आपका अनलाइक चार्जेस है भाई साहब कैसे होंगे भाई मान लो आपका ये हो जाएगा जो आपका ये प्लस क्यू है और आपका ये हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा तो क्या होंगे ये ये जनाब क्या करेंगे आपस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ठीक है लाइक चार्जेस यानी कि अगर आपके समान चार्ज है तो प्रतिकर्षित अगर विपरीत है तो क्या करेंगे आकर्षित करेंगे चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका चार्ज क्या होता है आपका जो है आपका जो आवेश होता है जो आपका चार्ज होता है चार्ज क्या होता है आपका ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू तो अनदर बॉडी इट मीन्स ये आपका मूव कर सकता है तो कभी कभी आप छोटे से एग्जाम्पल लेके पूछ सकते हैं आपसे कि भाई तो आपका चार्ज होता है क्या वो मूव कर सकता है बिल्कुल कर सकता है यही तो उसकी प्रॉपर्टी है तभी तो आपने कहा ना कि भाई चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय यानी कि इसको ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से मूव कर सकता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है चार्ज इज ऑलवेज लिंक्ड विद मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आप हो सकते हैं कई लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कई लोग को डाउट भी रहता है इवन उसमें मैं भी था पहले अब नहीं हूं होता ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है यानी कि मैं आपसे पूछ लू कि भाई ऐसा ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो जिसके पास मास या चार्ज मैं फिर से बोल रहा हूं चार्ज क्या सभी बॉडी में होता है क्या जो भी आपका एलिमेंट होता है चाहे मैं हूं आप हो चाहे कोई भी हो सोडियम हो मैग्नीशियम हो क्वैल्सियम हो कोई भी हो क्या आपका चार्ज हर जगह रहता है क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन मास जरूर रहता है मासलेस कभी नहीं होता है तो याद रखिएगा अगर चार्ज है तो जरूर वो किसी ना किसी मास पे होगा अगर मास नहीं है तो चार्ज बिल्कुल नहीं होगा भाई सिंपल सी बात है मास ही नहीं है तो चार्ज कहेगा लेकिन मास है तो चार्ज डेफिनेटली नहीं होगा या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जैसे मैं एग्जाम्पल दू आपको कि भाई देखो एन ए आपका था क्या इस पर आपका न्यूट्रल है बताओ भाई हाँ अगर एन ए प्लस हो गया तो क्या बोलेंगे आप कि भैया ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज यानी बोलते हैं कैटायन, या बोलते हैं कैटायन बोलते धनायन बोल देते हैं ठीक है तो यहाँ क्या देखा आपने कि मास यहाँ पे है ऐसा नहीं कि यहां मास नहीं यहाँ पे तो मास है ना भाई यहाँ लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे चार्ज नहीं है तो वही ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो चार्ज होता है हमेशा मास के साथ लिंक होता है अकेला चार्ज कभी भी आपको नहीं मिलता है स्वतंत्र रूप से आपको आवेश कभी नहीं देखने को मिलेगा इसका मतलब यह है ठीक है तो याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ये सब चार्ज की बात हो गई है जितनी बातें थी आपकी आवेश के बारे में बात हो गई है बाकी बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ जितना इंपॉर्टेंट है हमको उतना ही देखना है नेक्स्ट आपका आता है करेंट इसको बोलते हैं हम धारा एक्चुअल में इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करेंट उसका कारण आप सभी लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो अभी आप जान जाएंगे ठीक है इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं आप इसको या बोल देंगे आप इसको वैद्युत धारा इसका हिंदी है इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि मैं पूछता हूं इसे ऑफलाइन में पूछते थे कि भाई बताओ भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर धारा होती है धारा होती है सही है लेकिन है क्या इंपॉर्टेंट ये तो देखिए क्या होता है कि धारा जो वर्ड है आपका जो करेंट एक वर्ड है इसका मतलब होता है फ्लो होना कहते ही नहीं है कि आप करंट बोलेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट ही होगा कारण यह है कि आप बोलते हैं एयर करंट वाटर करंट पानी की धारा वायु की धारा तो ये जहां पे फ्लो होगा जहां पे भी ये जो शब्द आएगा ना प्रवाह का जहां पे ये वर्ड होगा वहां हमेशा हम करंट बोलते हैं अब मुद्दे की बात यह है कि भाई यहां पे करंट आया जो आपने बोला करंट यानी करंट मतलब की फ्लो होगा अब आपने बोला इलेक्ट्रिक करंट यानी कि क्या होगा कोई ना कोई फ्लो करेगा अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई चार्ज करंट वोल्टेज पावर एनर्जी इन सभी में से आपका बस इलेक्ट्रॉन ही है चार्ज है आपका वही फ्लो कर सकता है तो आप यहां बोल देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट ठीक है क्या बोलेंगे भैया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट अब कई लोग यहां पे बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है ठीक है इलेक्ट्रिक करंट क्या कहते हैं आप आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं दर को धारा कहते हैं ठीक है अच्छा इस डेफिनेशन में थोड़ी सी समस्या है अगर आप देखें तो आवेश दो टाइप के होते हैं धन आवेश और आवेश। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं चार्ज आपके दोनों होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो अब समस्या ये आती है भाई कि क्या ये डेफिनेशन जो है वो लिखी सही है एक्चुअल में बेंजामिन साहब ने बता दिया था भाई कि आप जो चार्ज होते हैं वो फ्लो करेंगे उनकी वजह से अगर देखा जाए तो टेक्निकली थोड़ा सा इसमें मामला गड़बड़ है इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज ऐड करनी, करनी होती है क्या ऐड करनी होती है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी जो आपने बोला है ना चार्ज तो यहां पे आप थोड़ा सा ऐड कर लेना क्या साथ में फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा आपकी धारा प्रवाहित नहीं होगी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहां पे आप लिख लो साथ में फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन वो आपका धारा प्रवाहित आएगा तो यहां पे जो लिखा हुआ है इसी में आप लिख लो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों है आप खुद समझो कि भाई आप खुद सोचो कि सोडियम जो आपका दिया हुआ है वो क्या है एन दिया हुआ है ये टू एट वन है ये सब छोटी छोटी बातें हैं कभी कभी एग्जाम में आती हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें फंस जाते हैं तो इस चीज से मैं आपको बचा रहा हूं कारण क्या है कई लोग ये बोल देते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो आपके बाहरी सेल में होता है बाहरी कक्षा में जो होता है बाहरी सेल में जो होता है उसको आप बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है बोलते हैं कि ये करंट फ्लो कराता है ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी ये सोडियम से जुड़ा हुआ है जब ये इससे टूट जाएगा कैसे टूटेगा कई सारी इसमें बातें होती है भाई देंगे तो ये टूट जाएगा बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हम उस पे नहीं आना है तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, है। तो क्योंकि यही निकलने वाला है इसलिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन आती है कई बार स्टूडेंट्स इस, इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं में नहीं है? तो यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ये अभी फ्री नहीं हुआ है जब ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ये आराम से फ्री है इसको आप आराम से यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है तो बात समझ में आई भाई कि वैध धारा होती क्या है बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आप बोलेंगे तो ही सही रहेगा बाकी तो आप समझते ही हैं अब यहां पे कुछ बेसिक बातें हैं जैसे कि आपका जो यहां पे क्या होगा भाई आपका पहला जो इसमें आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है I इक्वल टू होता है Q अपॉन में T और क्या होगा दोस्तों आपका यहां से आपका हो जाएगा I इक्वल टू यहां पे आ जाएगा अपॉन में T अच्छा अभी आपने पढ़ा नहीं है ओम्स लॉ लेकिन ये सभी जानते होंगे जहां तक मुझे पता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको ओम्स लॉ नहीं पता होगा अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पता है तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आपने नहीं पढ़ा है जैसे मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है हिंदी में जो व्याकरण होता है जो समास ये सब होते हैं संधि होते हैं मुझे बहुत कम आती है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे भी ये बस इसको लिख लो कि भाई वी इक्वल टू होता है आई आर ये होता है ओम्स लॉ ये भी आपका मिलने वाला है नेक्स्ट क्लास है उसके नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा ठीक है इसका यूज होने वाला है बहुत ज्यादा तो इसलिए आप वी इक्वल टू क्या होता है दोस्त आपका आई आर तो यहां से आई क्या मिल जाएगा आपको वी अपॉन में आर मिल जाएगा क्योंकि ये फॉर्मले मुझे लिखाने आपको एक साथ इस वजह से मैं आपको यहां पर ये यह बता दे रहा हूं ठीक है आपका आई आर होता है तो यहां से क्या बोल देंगे जनाब आप यहां से आई इक्वल टू बोल देंगे आप वी अपॉन में आर बोल देंगे आप ठीक है फिलहाल अभी आप इतना ही रखिए बाकी तो फॉर्मुले बहुत सारे और भी हैं वो जैसे से आता जाएगा होता जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई यहाँ पे जो आपका क्यूब है वो क्या है आपका क्यू जो है वो चार्ज है बोलेंगे आवेश ठीक है आपका टी आपको पता ही क्या होता है पर टाइम होता है इसको बोलते हैं समय आपका जो ई है ये आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वन पॉइंट सिक्स टेन पावर माइनस नाइनटीन गुलाम आपका हो जाता है ठीक है फिर आपका जो वी है ये आपका है वोल्टेज ठीक है और आपका जो आर है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी बोलते हैं प्रतिरोध ये क्या है कैसे है इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में ठीक है प्रतिरोध हो गया आपका ये और आपका ये होता है विभव ठीक है तो ये हो गया इसका भाई कोई दिक्कत यहां पर तो बताओ भाई आसान है बहुत यहां पे ऐसे ही बहुत वो रॉकेट साइंस चल रहा है यहां पे कुछ ऐसा है ठीक है अच्छा एक बात और यहीं पे मैं आपको दे रहा हूं कि जो आपका मात्रक होता है चलो मैं थोड़ा नेक्स्ट पे लेता हूँ आपका जो मात्रक होता है इसमें यूनिट इसको बोल देते हैं आप बताओ भाई क्या होगा यूनिट आपका आपका जो यूनिट रहेगा यहां पे क्या रहेगा यूनिट बताओ भाई क्या रहेगा यूनिट आपका आपका जो यूनिट होता है पहले आपका तो होता है क्या देखो ये सभी को पता है ये बच्चे बच्चे जानते हैं कि भाई क्या होता है आपका एम्पियर तो ये आपसे ज्यादा कोई पूछता ही नहीं है पहला तो हो गया एम्पियर दूसरा क्या होगा भाई म पर सेकेंड याद रखिएगा गुलाम पर सेकेंड आपसे बहुत पूछा जाता है क्योंकि तो एक्चुअल में देखा जाए तो यही तो आपका डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट और जो रेट ये वर्ड है ना ये जो दर है आपकी याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई करंट आपका जो सीरीज में होता है श्रेणी क्रम में होता है वो सेम क्यों होता है समान क्यों होता है ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो ये आपका करंट है जो आपका करंट ये है भाई ये क्वांटिटी कैसी है क्वांटिटी मतलब कि आपका कैसा राशि आपका है तो आप बोलते हैं क्या भैया ये आपका होता है राशि। बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या बोलेंगे आप स्केलर या बोल देंगे अधिस अब देखिए मैंने आपको कल बताया था ना कि सदिश और अधिस क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पर तो एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों है ये उसका कारण क्या है वो समझिए आप देखो आपका एक यहां पे करंट फ्लो हो रहा है प्लस फाइव एम्पियर कहां से कहां तक ए से बी में यही सेम चीज अगर मैं लिखूं यहां पर क्या कर दू मैं भाई कि बी टू ए फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव एम्पियर तो अब आप ये बताओ कि जब आपका डायरेक्शन चेंज हुआ जब आपका डायरेक्शन यहां पर चेंज हुआ तो क्या आपका ये जो पांच लिखा हुआ है क्या इसमें कोई चेंज आया क्या और कल ही आपने पढ़ा है कि भाई जब तक आपका जैसे कि मैंने आपका डायरेक्शन यानी दिशा मैंने चेंज की तो उसके परिमाण यानी उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा तो वो क्या होता है आपका राशि होता है अगर आ गया तो सदिश है तो यहां पर कुछ चेंज आया क्या नहीं ये बस बता रहा है कि भैया अगर प्लस फाइव मैंने ए टू बी लिया है तो जब बी टू ए जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस फाइव और इसका कोई मतलब नहीं है अगर मैं बी टू ए को लेता प्लस तो ये होता था माइनस

मैग्नीट्यूड तब तक आप उसमें चर्चा नहीं करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो आता है इसमें क्या आता है भाई और क्या पॉइंट बन सकते हैं इसके क्वांटिटी हो गया बाकी क्या होता है भाई तो? बताओ और की पॉसिबिलिटी है आई में करंट में आपका बस यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे भाई आई आपका करंट होता क्या है क्वांटिटी कौन सी है स्केलर है कि वेक्टर है आपका इसके फॉर्मुले पूछे जाएंगे आपको आईकल टू क्यू बाई टी क्यूल टू एनी हो जाएगा आपका इसके जो यूनिट है वो पूछे जाएंगे आपके बस मोर देनफ है ठीक है भाई कुछ रहेगा वो जब क्वेश्चन करेंगे ना जैसे आपका अभी क्या होगा चार्ज करंट वोल्टेज पावर एनर्जी ये पांच टॉपिक खत्म करके उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें हम लोग ढेर सारे एमसीयू करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि आपके क्वेश्चंस जैसे कि मान लो कोई थ्योरी रह जाती है होता है ये हमेशा कि मान लो कोई थ्योरी रह गई मैं कोई पॉइंट आपको नहीं बताया तो वो क्वेश्चन के साथ कवर हो जाता है ठीक है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी हैरान बढ़ होगा आगे बात करते हैं बात करते हैं किसकी वोल्टेज की ठीक है नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या आपका आ जाएगा वोल्टेज आ जाएगा ठीक है चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट आपका वोल्टेज इसको बोलते थे हाँ? अच्छा क्या है ये कैसे है ये सब हम चर्चा करेंगे आपकी डिटेल में इसके समझेंगे कल आपने पढ़ा था ना क्या होता है भाई वी इक्वल टू क्या होता है बताओ भाई वी इक्वल टू होता है W अपॉन में क्यू क्या होता है भाई आपका वी इक्वल टू होता है W अपॉन में Q यानी कि जो चार्ज पे वर्क करता है कौन करता है आपका वोल्टेज करता है विभव करता है कौन करता है वोल्टेज करता है इस पे चार्ज पे क्यों करता है ताकि वो चार्ज मुंह करे क्यों मुंह करेगा चार्ज ताकि आपको करंट मिले और करंट मिलते ही तबाही मच जाएगी करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है ऊसमी प्रभाव होता है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है चुंबकीय प्रभाव होता है करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं करंट इज लाइक पनीर दूध बोल सकते हैं आप दूध से आपका पनीर बनता है दही बनता है छाछ बनता है मट्ठा बनता है सब कुछ बनता है तो करंट भी आपका पूरा एकदम तबाही मचा देता है लेकिन उसका ओरिजिन कौन है चार्ज अगर वो नहीं होता आवेश नहीं होता तो फिर कोई मतलब नहीं होता तो क्या बोला आपने जो आपका क्या करता है चार्ज पे वर्क करता है अब ये आप डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में कि भाई किसी एक आवेश को किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क किया जाता है इनफिनिटी से लाने पर जो वर्क करते हैं उसको चार्ज बोल देते हैं आप सीधे याद रखो क्या भाई चार्ज पे वर्क करना वे कहलाता है ठीक है प्रॉब्लम तो भाई अपना नोट्स है अपनी तरीके से लिखो अपनी नोट्स है जैसे मन चाहे वैसे लिखो अल्टीमेट गोल ये होता है कि लास्ट में जब एग्जाम हो तो आप उसका आंसर सही टिक करके आ गए कोई आपसे नहीं पूछने वाला ये कैसे टिक किया आपने? आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है ठीक है तो चार्ज पर वर्क इज कॉल्ड वोल्टेज ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि कई लोग शर्माते हैं इसमें कि सर कैसे लिखेंगे आप देख दो ऐसे या टू डू अ वर्क ऑन चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज ठीक है तो चार्ज पर वर्क करने वाला चार्ज पर कार्य करने वाला आवेश पर कार्य करने वाला क्या कहलाता है आपका विभव कहलाता है ठीक है तो ये तो आपको बुक में ऐसे मिल जाता है मुद्दा ये नहीं मुद्दा ये है कि ये कैसे सीखने वाले हैं अपन ये जरूरी है ठीक है सो वी इक्वल टू क्या होता है भाई डब्ल्यू बाई क्यू होता है और क्या पॉसिबिलिटी है वी इक्वल टू क्या रहेगा डब्ल्यू अपॉन में क्या ne हो जाएगा आपका एन ई हो जाएगा ठीक है और क्या पॉसिबिलिटी होगा बताओ भाई आपका वी इक्वल टू हो जाएगा आई आर ये कैसे आपका आया होम्स लॉ से आया बाकी सब आपने देखा हुआ है बस यहाँ पे एक जो नया वर्ड आ गया है डबलू। डबलू जो आपका है यहाँ पे बोलेंगे आप वर्क बोल देंगे और ऊर्जा बोल देंगे अच्छा कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कारण क्या है कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर वर्क ऐसे कैसे आपका ये एनर्जी कैसे होता है भाई एनर्जी तो आपका ई होता है तो वर्क और एनर्जी अगर मैं बात करू आपका आपके इलेक्ट्रिकल में खासकर वर्क का मतलब होता क्या है बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई 10 किलो का सामान उठाया 20 किलो उठाया आपके पसीने के आपके तोते उड़ गए मेरे भी उड़ जाएंगे ऑफिस से बात है पचास साठ किलो उठाने में तो क्या देखा आपने कि भाई आपको पसीने आ गए हाँ भाई दिखाए तो एक्चुअली वर्क है ये लेकिन आप खुद सोचो कि आपके इलेक्ट्रिकल में आपके इलेक्ट्रिकल में आप किस पे काम करने वाले हो चार्ज पे चार्ज पे काम करने वाले हैं भाई साहब चार्ज का मास कितना है भाई साहब 9.1 पॉइंट वन की पावर माइनस थर्टी मैं आपको याद दिलाता हूं ताकि आप में रहे आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों आपका? आपका हो जाता है 9.1 पॉइंट वन टेन की पावर माइनस में 31 वन के जी ये क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ठीक है समझ रहे हैं आप आप खुद सोचो माइनस में 31 है पॉइंट में जीरो 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 करते आपने ऐसे हाथ हिलाया कम से कम पचीस तीस पचास इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे उड़ा दिए ऑक्सीजन भाई मेरे आपके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है इतनी गैसेस पड़ी हुई हैं वो सब किससे बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन से तो बने हैं कि नहीं बने तो क्या इसमें आपको कुछ लगा कि अरे बहुत काम कर लिया मैंने अरे आज मैंने सौ इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए ऐसा क्वेश्चन बनता है क्या नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्क या एनर्जी बाई डिफॉल्ट आप एक दूसरे को पूरक होता है इवन आप जब पढ़ते हैं ना मैकेनिक्स में जब पढ़ाऊंगा मैं जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है वहां पे तो आपका पूरा मैकेनिकल वाला पार्ट आपका है बड़ा मजा आएगा वहां पे लॉ मोशन हो गया तब ये मजा आएगा पढ़ने में आपको वहां भी आप जब बात करते हैं तो वहां भी वर्क एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल होता है भाई साहब बासवानी से कर रहे हैं आप लोग तो वही कहानी यहाँ पे है तो क्या होगा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वीवल टू डब्ल्यू बाई में जाएगा ठीक है अच्छा यहाँ पे जो आपका डब्ल्यू है क्या बोलेंगे इसको भाई आपका ये जूल में है क्यों दोस्त मेरे किसम आएगा भाई आपका ये जूल में आ जाएगा तो याद रखिए उसको भूलेगा नहीं अब बात करते हैं भाई कि आपका जो वोल्टेज है इसका मात्रक क्या होता है आइए समझते हैं आपका यूनिट क्या होगा तो यूनिट जो आपकी होती है जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो आपकी होती है एसआई यूनिट अच्छा हाँ एक और चीज है एसआई यूनिट जो आपकी होती है उसको जनरली हमने क्यों बोला ऐसा वो इसलिए है ताकि आप कहीं भी जाएं जैसे आप इंडिया में हो या कहीं और भी जाओ आप तो अगर आपने बोला वोल्टेज का वोल्ट बोला आपने कि मुझे पांच वोल्ट की बैटरी चाहिए इट मीनस कि आपका मतलब क्या है वोल्ट यानी कि वोल्टेज आप चाहिए आपको और पूरे वर्ल्ड में आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना पड़े आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए ये एसआई बनाई जाती है कहने का मतलब ये है आपका जब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा उसमें जो पहला टॉपिक आपका है वो है यूनिट फिर है मेजरमेंट यूनिट मतलब होता है मात्रक तो वहां पे आप एमके एस सीजीएस एफ पी एस पढ़ते हैं ये तीनों पद्धतियां पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल वाले नहीं पढ़ते हैं ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं क्योंकि मैकेनिकल में क्या है कि इसकी बहुत यूज है एमके एस सीजीएस एफ ठीक है तो इन तीनों में काफी कंफ्यूजन हो जाती है जैसे एफ फुट पॉन्ड सेकेंड आपका जो होता है वो यहां नहीं में होता है यूकी आपने देखा होगा कि वहां पे पौंड में वेट ज्यादा कवर किया जाता है ना कि केजी में तो इन चीजों से बचने के लिए आपका एक नया एसआई SI यूनिट बोल देते हैं आप उसको जब पढ़ेंगे यूनिट तो वहां को मैं आपको बताऊंगा कि उसका महत्व तो क्या है हम ये करते क्यों है ठीक है आते हैं वापस यहां पर तो आपका यूनिट क्या होगा भाई पहला होता हो आपको आ जाएगा वोल्ट पहला आपको आ जाएगा वोल्ट हो जाएगा ये तो पहला फिक्स है आपका अच्छा मेरे दोस्त दूसरा क्या होगा बताओ भाई दूसरा होगा जूल पर गुलाम ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं और इस यूनिट को याद करने से अंदर क्या फायदा आपको होगा कि आपको जो वोल्टेज है उसका जो कार्य है जैसा काम है आपको याद रहेगा आप भूलेंगे नहीं ठीक है मेरे दोस्त जूल पर गुलाम हो गया और क्या पॉसिबिलिटीज है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जैसे जैसे आती आएंगी हम आपको बताते जाएंगे डोंट वरी ठीक है अब यहां पे एक बड़ा मुद्दा आता है कौन सा भाई साहब कि आपने कुछ बातें सुनी है सुनिए सुनिए बताइए सुनिए ना चलिए बहुत बढ़िया जैसे कि अगर बताऊं मैं आपको एक होता है आपका वोल्टेज एक होता है आपका ई एम एफ एक आपका होता है पी डी पी डी मतलब पेनड्राइव नहीं पोटेंशियल डिफरेंस आपका ठीक है वोल्टेज ई एम एफ पी डी और एक आपका होता है पोटेंशियल ठीक है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे देता हूं देता हूं फिर आपका होता है पोटेंशियल फिर आपका होता है पोटेंशियल ठीक है थीके? क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है दोस्त ये आपका क्या है आपका है ये भी आपका विभव है पोटेंशियल बोलते हैं आप विभव को ये आपका है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ठीक है जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल क्या सो तो नहीं दे जागना है ठीक सुना सोना नहीं है ठीक है चलिए क्योंकि क्या है कि मैं लिख के पढ़ाने में मजा जो आता है वो आता ही है नहीं तो आपने देखा होगा स्लाइड्स में लिखी दी थी तो उसमें थोड़ा नींद आती है बाकी आपको ये पता है कि भाई वोल्टेज हो गया विभव

मतलब वोल्ट तो इनमें डिफरेंस क्या है हमको ये समझना है ठीक है फोकस क्या है हमारा कि वोल्ट अगर हमारा है सभी का मतलब तो ये तीन चार नाम जो दिए गए हैं ये अलग अलग क्यों दिए गए हैं इनका मतलब क्या है आइए समझते हैं भाई कि इनका मतलब क्या है चलिए तो थोड़ा सा एक सर्किट लेते हैं आपको सर्किट में ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको नहीं पता होगा इतना बेसिक आपने सीखा ही होगा हंड्रेड ये गारंटी है जैसे मान लो आपका ये हो गया रजिस्टेंस अब ये रेजिस्टेंस क्या है मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जब ये आएगा तो आपको बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए ठीक है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा अब कारण यह है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ये सब मुझे अगर बताना पड़ेगा आपको तो थोड़ा सा मुझे यहां पे सर्किट लेनी पड़ेगी जो कि बहुत आसान है समझिए ध्यान से आप या? ये आपका आई हो गया अगर मैं आपसे पूछूं भी यहां पे I की वैल्यू क्या है यानी अगर मुझे चाहिए I तो आप क्या बोलोगे दोस्त आपका जो I होगा वो हो जाएगा सर v अपॉन में r अभी हमने पढ़ा i इक्वल टू क्या होगा v कितना है दोस्तों आपका यह ये आपका दस वोल्ट दिया हुआ है आपका r कितना है पांच दिया हुआ है आपका जाएगा दो एम्पियर क्या सर यही सीखना है क्या अपने को ना ना आपका यहां पर दो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है अब अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि भाई यहां पे कितना वोल्टेज है तो क्या बोलोगे आप सर यहां पे आपका कितना है आपका हो गया फाइव इंटू टू आपका जाएगा दस वोल्ट क्या होगा पांच इंटू दो आपको जाएगा दस वोल्ट हो जाएगा ये आपको दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है ना आप लोगों को दस वोल्ट जो लिखा हुआ है ऊपर आपका चलिए बहुत बढ़िया तो अब अगर आपसे कोई पूछता है मेरे दोस्त यहां पर कि भाई आपका यहां से आपका यहां से अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ मेरे दोस्त यहां पे आपका वोल्टेज आपका ई एम एफ और आपका पोटेंशियल ये तीनों आपके क्या होंगे तो ये आपका हो जाएगा दस वोल्ट यानी कि ये कहानी ये आपका है पास अगर मैंने आपसे बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरे दोस्त अगर मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो आप बोलेंगे जनाब ये जो लिखा हुआ है फाइव इंटू टू यानी कि दस वोल्ट ये आपका है यानी कि जो आपका पीडी है ये आपका जो आएगा यहां पर इसको बोलेंगे पीडी पीडी पी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्या इस बात से आप लोग यही करते तो बताओ हाँ दिख रहा है लोग कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहां पे कुछ केस बनेंगे मैं यहां आप पे आपको केस दिखाता हूं पहला केस क्या है दोस्त अगर मैं आपसे ये पूछूं फर्स्ट केस बहुत ध्यान से बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है आपको कभी डाउट नहीं आएगा ये गारंटी मेरी है जो केस वन है मैंने बोला कि भाई जनाब आपका जो आई है वो जीरो है अगर आई जीरो हुआ इस केस में आप ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा विभवांतर क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर क्या होगा तो आप बोलेंगे सर ये गारंटी के साथ क्या होगा जीरो होगा क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका है वो आई पर डिपेंड कर रहा है निर्भर कर रहा है कैसे देखो यहां पर ये पांच ओम है यहां मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये आई आए आए आएगा तो पांच इंटू दो कितना जाएगा दस वोल्ट अगर ये दो एम्पियर नहीं होता अगर ये दो एम्पियर नहीं होता तो आपका क्या पर पोटेंशियल डिफरेंस आता बिल्कुल नहीं आता तो ओम साहब ने एक्चुअली ये बताया था अभी तो हमको आता है लगता है अरे ये तो कुछ नहीं था यार तो मासूम बहुत बेघा चीज थी तो हमको तो पता है पहले से ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी जब आप सर्किट पढ़ेंगे ना वहां आपको और मजा आने वाला है बिलीव मी तो वी इक्वल टू क्या रहेगा तो सब यहाँ से आई आर तो क्या देखा आपने आई आपका जो है वो कितना है मेरे दोस्त आपका यहाँ पे दो एम्पेयर है आपका आर पांच है तो क्या मिला आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिस वन अगर आई जीरो है तो pd का जीरो होगा लेकिन यहां से आप ये बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि जो आपका ई एम एफ होगा या आपका जो वोल्टेज होगा या आपका जो पोटेंशियल होगा सिंपली आपका ये आपके जीरो नहीं होंगे क्योंकि ये करंट पर डिपेंड नहीं करते ये सोर्स है भाई ये स्रोत है ये सोर्स है बात समझ रहे स्रोत है ये सब भाई अब पांच वोल्ट आप बैटरी लेके आ गए जो पांच वोल्ट की बैटरी है एक्चुअली वो क्या है वो आपका ई है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है विद्युत भाग बल है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बात समझ तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे अगर पूछे कि भाई कौन सी क्वांटिटी या कौन सी राशि आपकी जो है वो करंट पर डिपेंड करती है कौन सी नहीं करती है तो आप बोलेंगे जनाब की पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है जिसको बोलते हैं विभवांतर वो आपका डिपेंड करता है आई पर लेकिन आपका जो ईएमएफ है वो डिपेंड नहीं करता है इसी में आ जाओ भाई सेकंड केस आपका क्या बोलेंगे आप सेकंड केस आपका कि मान लो आपका जो वोल्टेज है जिसको बोलते हैं ई एम एफ ले लो आप सबसे सिंपल तरीका ताकि आपको डाउट ना रहे अगर ये जीरो हो गया अगर आपका ई एम एफ जीरो हो गया तो कोई अगर आपसे पूछे भाई आई क्या होगा कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ मेरे दोस्त आपका जो आई है वो क्या होगा तो आप बोलोगे सर आई इक्वल टू जीरो जब बैटरी ही नहीं है तो कहा करेंट वह सही नहीं सही है जब बैटरी ही नहीं है तो कहा है करेंट? करेंट है। क्या है करंट करंट आपका जीरो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा गारंटी के साथ जीरो होगा क्योंकि ये सोर्स है अगर ये कॉज है यानी अगर ये कारण है तो इसका प्रभाव ये कारक अगर है आपका तो ये इसका इफेक्ट है मेरे दोस्त ये इसका प्रभाव है समझ रहे समझ रहे आप ये इफेक्ट है आपका क्या ये बात क्लियर है एक बार चेक कर लो आप लोग देख लो आराम से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ताकि आप वो क्लियर हो जाए समझ आया तो ये कहानी आपकी है भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो होता है आपका वोल्टेज क्या होता है आपका पोटेंशियल क्या होता है इन सभी के बारे में हमने चर्चा की अच्छे से आपको अच्छे समझ में आया होगा इसमें कोई दो राय नहीं है बाकी अगर बिल्कुल भी डाउट रहा होगा तो आप मैंने पहले ही बोला है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप मुझे आराम से मैसेज कीजिए मैं आपको टाइम देकर जैसा भी रहेगा हम आपसे फोन पे बात कर लेंगे या जैसा कहेंगे वैसे बात कर लेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़े आइए आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो दौर है उस पे आते हैं जिस पे भाई आपका पावर एंड एनर्जी तो सभी लोग बता दीजिए फटाफट भाई कि पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है मेरे दोस्त पावर यानी कि शक्ति पावर और एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है कौन बालक बताएगा आपका पावर और आपका एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है कौन बताएगा चलिए बात करते हैं भाई देखो पावर और एनर्जी मैं एग्जांपल देता हूं आपको बहुत प्यारा सा आपके दो फ्रेंड हैं ठीक है ठीके? एक जो है वो पचास केजी का है एक जो है सौ केजी का है मेरे जैसा आपकी लड़ाई हो गई तो जो सौ केजी वाला आपका दोस्त है वो भग गया लेकिन जो पचास वाला है वो भिड़ गया तो आप ये बताओ आपके काम कौन आया आपके काम आया पचास के वाला सौ के काम को तो रहा नहीं उसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने बल्ब लेके आया थीके? आप ठीक है आप बल्ब लेके आए एक आपका दस वाट का था एक आपका सौ वाट का था लेकिन दोनों बल्ब में से आपने क्या किया आपने जो दस वाट बल्ब है उसको आपने लगाया और सौ वाट को आपने नहीं लगाया तो आपने तो आपके लिए बल्ब कौन सा काम आया दस वाट वाला आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है जिसको मैंने लगाया नहीं तो वो तो मेरे काम कैसे आएगा वो लाऊंगा तो मेरे काम आएगा बात सही है लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं डिफरेंस कि पावर जो होता है वो आपके इंस्ट्रूमेंट यानी जो आपका डिवाइस है ना इंस्ट्रूमेंट नहीं इंस्ट्रूमेंट तो आपका मेजर करता है कोई भी चीज इंस्ट्रूमेंट बोलना गलत है जो आपका इक्विपमेंट है जो आपका औजार है जैसे बल्ब हो गया आपका टीवी हो गया आपका फ्रिज हो गया कूलर हो गया ये सब चीजें ना ये इनकी खुद की जो प्रॉपर्टी होती है अब भाई जाहिर सी बात है कि सौ वाट का बल्ब शक्ति ज्यादा है तो आपको एनर्जी भी ज्यादा देगा इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अगर उसको आपने यूज नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं है तो वर्क और एनर्जी सॉरी शक्ति और आपका जो एनर्जी है मतलब पावर एंड एन एनर्जी शक्ति एंड एन ऊर्जा पावर आपका डिवाइस का है वो उसके काम आएगी आपके काम नहीं आएगी एनर्जी जो होती है वो हमारे काम आती है तो अगर मैं बात करूं आपसे कि जो पांच आपने क्वांटिटी पढ़ी है कौन कौन सी चार्ज करेंट वोल्टेज पावर एनर्जी तो पहली बार एनर्जी जो आपने शब्द सुना है ऊर्जा ये हमारे काम आएगी इसके ऊपर जो चार है ना ये चार किससे काम आएगी आपका जो डिवाइस है उसके काम आएगी तो इसलिए आप देखते हैं ना कि आप बोलते हैं एनर्जी मीटर कभी आपने पावर मीटर नहीं बोला अपने घरों में जो बल्ब लगा होता है मीटर आपका उसको आप एनर्जी मीटर क्यों बोलते हो क्योंकि हम एनर्जी ही लेते हैं एनर्जी हमारे काम की है पावर हमारे काम की नहीं है लेकिन ये भी सत्य है कि पावर ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी जाहिर सी बात है तो ये फर्क है यानी कि एनर्जी इज अ प्रैक्टिकल थिंग यानी कि आपका ये क्या है आपको रियल लाइफ से रिलेट करता है पावर जो होता है वो डिवाइस का होता है ठीक तो है तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं इंपॉर्टेंट है मैंने आपसे बोला है कि बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा कि लिखते बैठूंगा तो हजार दो हजार तो इसी में निकल जाएंगे पेज तो इसलिए कुछ बातें आप लिख लिया करिए अपने एंड पर छोटे से ऐसे लिख लिया छोटू सा लिख के ऐसे और क्लास से लेने के बाद तुरंत उस पी को रिवाइज किया करिए रिवाइज करेंगे ना तो आपको फट से याद रहेगा बोलेंगे नहीं आप ठीक है चलो आ जाओ शक्ति क्या होता है भाई कैपेसिटी टू डू वर्क कैपेसिटी टू डू वर्क क्या बोलेंगे आप कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की दर की क्षमता बोलती है जो भी है आपका आप बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक आएगा यहाँ पर क्योंकि तो आप जानते हैं जो फॉर्मला का होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त आपका होता है P इक्वल टू डब्लू अपॉन में T होता है मेरे दोस्त आपको फॉमला एक आ गया अच्छा एक फॉमला इसमें और क्या होगा आपका भाई अगर मैं आपसे बोल दू कि भाई पी जो आपका है वो डब्ल्यू अपॉन में क्यू है और ये क्यू अपॉन में टी हो गया क्या कोई दिक्कत है क्या क्यू से क्यू कटेगा डब्ल्यू आपका फिर से आ जाएगा क्यू से क्यू कटेगा w upon T फिर से आपका आ जाएगा फिर क्या बोला आपने यहाँ पर कि सर यहाँ पर तो हमने एक चीज समझ ली क्या डब्ल्यू अपॉन क्यू जो आपका होता है ये है क्या ये आपका वोल्टेज है और ये क्या आपका है यहाँ पर करंट है हो गया तो यहां से आपको एक नई चीज मिली क्या मिली आपको कि आपका जो पी इक्वल टू होता है वो क्या होता है वी आई होता है मेरे दोस्त अच्छा यही से अगर मैं देखू तो आपका क्या हो जाएगा आपका पी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा क्यों हो जाएगा दोस्तों आपका क्योंकि तो आप जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर होता है एंड वी इक्वल टू क्या होता है आपका यहां पर जब आई आपका यहां से ऐसे लाए आप और इसको आपने यहां पे ये यह हो गया समझे आप नेक्स्ट क्या होगा यहां से आपका भाई p इक्वल टू हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर हो जाएगा p इक्वल टू क्या होगा दोस्तों आपका यहां से आई स्क्वायर आर हो जाएगा ये कैसे हुआ भाई आपका यहां से आप जानते हैं कि जो आपका वी होता है वो क्या होता है आपका वी इक्वल टू आई आर होता है क्या किया आपने आपने इन वैल्यूज को यहां पे पकड़ा इसको और ये यह आपने यहां पर इसकी जगह पे पुट कर दिया तो आपको ये फॉर्मले मिल गए तो ये तीन फॉर्मले हैं आपके चार फॉर्मले W बाई टी वी इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर तो इन फॉर्मलों को आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कोई दिक्कत ना आने पाए चलिए बात करते हैं कि आपका ये कैसी है भैया तो अगर मैंने ना भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है आपकी सभी स्केलर क्वांटिटी होती है मैंने आपसे कहा था ना उस दिन भी आपका ये होता है ठीक है और क्या होगा दोस्तों आपको बताओ भाई यहां से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट होगा भैया बताओ आपका जो यूनिट होगा जिसको होता हैं मात्रक बताओ भाई क्या होगा आपका आपका हो जाएगा बताओ दोस्त बताओ बताओ आपका आएगा पहले क्या आएगा बताओ यार आपका हो जाएगा वॉट क्या होगा आपका वॉट और क्या होगा बताओ भाई जूल पर सेकेंड क्या होगा दोस्त आपका जूल पर सेकेंड और क्या होगा भाई वोल्ट एम्पियर क्या होगा भाई आपका यहां से वोल्ट एम्पियर और क्या होगा भाई आपका बहुत सारे बन जाएंगे ये आपका होता है पावर का इससे क्या ही पूछेगा इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं और खासकर इन फॉर्मुले बी स्क्र बाई आर आई स्क्वायर आर वी आई पे बहुत पूछे आते हैं आपका एक बल्ब दिया रहेगा 250 वाट का उसका रेजिस्टेंस ये दिया रहेगा बताइए इसका पावर क्या होगा या इसका वोल्टेज क्या होगा या इसका करेंट क्या होगा यहां पर बात करिए दोस्तों कोई समस्या कोई तकलीफ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका आता है एनर्जी नेक्स्ट क्या आपका दोस्तों आपका है एनर्जी तो एनर्जी क्या होता है भैया आपका ऊर्जा अच्छा सॉरी यार मुझे लगा ना हल्का सा मैंने गड़बड़ किया थोड़ा सा गड़बड़ किया है अच्छा यहां पे रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा ना हम्म कैपेसिटी नहीं कैपेसिटी तो वहां होगा ना आपका एनर्जी में आपका आता है ठीक है क्या होगा यहां पे आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाएगा यही कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे भाई कहूंगा कि कहा कुछ मिसिंग हो रहा है ना आप लोग कमेंट में अभी देखा तो सुनना अच्छा है यार रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब भाई बात है कॉमन सेंस वाली बात है यार कि भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि जो कार्य करने का दर है उसी तो शक्ति बोलेंगे ना कार्य करने की दर यानी कि अगर कोई आदमी आप आपसे बोलता है कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है तो आप बोलेंगे जनाब कि मुझे आप एक काम दो कोई आप काम दो तो मैं आपको दो दिन करके दिखाऊंगा तो नहीं सकते आपकी ज्यादा है ठीक है तो आप खुल के बोलिएगा क्योंकि तो मैं अभी इंसान हूं भाई गलती हो सकती है ऐसी बात थोड़ी है तो जब भी आपको लगे किसी भी कंसेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ को आती है बेझिझक पूछेगा बेझिझक क्योंकि तो एज अ टीचर मैं ये नहीं कि अब मेरा इको हट हो गया अरे नहीं नहीं ये तो मेरा सही जाए कुछ भी हो जाए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है तो कहीं ना कहीं आप लोग भी एक प्रॉपर तरीके से हम लोग गाइड करते हैं तो इसलिए जब भी आपको लगे किसी भी चीज में तो आप बताइए तुरंत ठीक है चलिए तो क्या देखा आपने रेट ऑफ आप डिंग भर यानी कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं शक्ति बोल देते हैं अब कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या होता है आपका एनर्जी होता है एनर्जी आपका और मैंने अभी आपसे कहा ना कि भाई आपको एनर्जी और वर्क में कंफ्यूज नहीं होना है और ये सब से डेफिनेशन पूछते नहीं आजकल भैया आजकल तो सीधे फॉर्मले पूछते हैं कंसेप्ट पूछते हैं बस हो गया बाकी लिखाने को मैं लिखाता हूँ ताकि भाई आपका एक नोट्स बन जाए कैपेसिटी टू डू वर्क कैपेसिटी जस्ट वेट फॉर सेकेंड कैपेसिटी टू डू वर्क बस ऐसे ही आप लोग क्लास करते रहिए नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आराम से जो आपका लक्ष्य है उसको आप आइए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा सर... कहते हैं वही क्षमता है कि नहीं है वही आपका ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट बताओ भाई आपका नेक्स्ट आप नेक्स क्या जाएगा इसमें जो पॉइंट आपका नेक्स्ट आएगा क्या आएगा भाई आपका जो होगा फॉर्मुला क्या? क्या होता भाई फॉर्मुला अभी आपने पढ़ा ना W इक्वल टू क्या होता है पी इन टू टी क्या बोलते भैया अच्छा, और क्या बनेगा भाई और बनेगा आपका W इक्वल टू W बोलिए या R E बोलिए बात एक ही है W बोलो या आपका E बोलो बात आपका एक ही है ठीक है P इन टी है और क्या बनेगा V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा ये कैसे हुआ आपका अभी आपने देखा था कि आपका जो पी होता है वो क्या होता है दोस्त आपका जो पी होता है पी इक्वल टू हो जाता है वी आई ठीक है और क्या बनेगा होता भाई यहाँ से आपका और बन जाएगा बात करूं मैं अगर तो यहां पे आपका हो जाएगा W और यू कैन से ए, आपका हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी इसी को आप बोल देते हैं हीट जब हीट पड़ेंगे ना तो वहां पे आपका होता है H इसी को आप बोल देते हैं H एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट यानी कि धारा का जो ऊष्मा होता है उसका ठीक है अच्छा और क्या बनेगा भाई आप यहां से आपका, आपका बन जाएगा डब्लू बोलिए आप e बोलिए बात एक ही है क्या हो जाएगा यहां से आपका वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी बोल देते हैं आप वी स्क्वायर में आर अपॉन में टी बोल देते हैं आप इंटू में ये सभी कैसे आए आपको पता है यहां से यहां पे ये यह कैसे आए आपका आप जानते हैं कि वी इक्वल टू आई आर होता है यहां पे कैसे आया हुआ आपका आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन में आर होता है तो इसलिए आपकी वैल्यू आई है बात करते हैं मात्रक की तो आपका जो यूनिट होता है यहां पे क्या होगा दोस्तों आपका आपका जो यूनिट होगा वो आप बोल देंगे पहले आपका एक तो जूल होता है फिर क्या होता है भाई आपका फिर आपका हो जाएगा बोलो यार वॉट सेकेंड वॉट सेकेंड हो जाता है अच्छा एक और आपको बोल देते हैं वॉट आवर वॉट आवर भी हो जाता है आपका स्मॉल में कर लीजिए आप ऐसे रहेगा आवर ठीक है अच्छा अब यहां पे एक बात आती है कि भाई जो आपका यूनिट होता है आपका ये स्केलर क्वांटिटी होती है कैसा होता है भाई आपका स्केलर होता है यानी आपका अधिस होता है ठीक है दोस्त? क्या होता है आपका अधिस आश आपकी होती है अब यहां पे एक चीज आती है आपकी भाई की जो आपका एनर्जी होता है आपने बोला जैसे कि आपके जो घरों में लगा होता है ना मीटर आपका दो यूनिट बिल आ गया तीन यूनिट बिल आ गया चार यूनिट बिल आ गया पांच यूनिट बिल आ गया दस मिनट आ गया तो जो यूनिट होता है उसको आप बोलते हैं के डब्ल्यू एच वन के डब्ल्यू एच इक्वल टू होता है वन यूनिट ये एक्चुअली क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें कि आपने एक बल्ब को दस घंटे जलाया तो टोटल कितना आपने बिल पे किया ठीक है यूनिट हो गया आपका के डब्लू एच बोलते हैं इसको एक वन के डब्ल्यू एच इक्वल टू वन यूनिट ठीक है अच्छा अगर मुझे इसको चेंज करना हो जूल में तो जूल में कहानी क्या होगी आपकी यहां पर अगर आप ध्यान रखेंगे यहां पे जूल में तो वन के डब्ल्यू एच है तो वन थाउजेंड वॉट आवर है अब मुझे ये पता है कि जूल में होने के लिए आपका सेकेंड होना जरूरी है जूल में आने के लिए सेकेंड होना जरूरी है तो यहां पे आवर दिया है तो क्या करेंगे आप वन थाउजेंड इंटू वॉट इंटू आवर कितना है भैया आपका थर्टी सिक्स हो जाएगा हंड्रेड तो यहां से आपका वैल्यू कितना मिल जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड आपका हो गया तो आपका जाएगा यहां से थर्टी सिक्स हंड्रेड के वॉट सेकेंड या थर्टी सिक्स के जूल बोल देंगे आप बात समय नहीं है अगर आपको बोला है वन वॉट आवर तो वन वॉट आवर जो होता है वो थ्री पॉइंट सिक्स किलो जूल होता है ठीक है दोस्त तो चलिए फटाफट फड़ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि भाई जो क्लासेस आपकी हैं वो मैक्सिमम मैं एक घंटा से ज्यादा मैं रखता नहीं हूं कारण ये है कि भाई जब आप इसको रिकॉर्डेड देखेंगे जो कि नाइनटी नाइन परसेंट बच्चे लोग रिकॉर्ड देखते हैं बहुत कम लोग लाइव देखते हैं क्योंकि तो भाई कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा भाई ये रिकॉर्ड देख लेंगे फटाफट चीजें हो जाएंगी पास नहीं तो होता क्या है कि अगर दो घंटे की वीडियो आपने देखी तो आपको पहले ही बेहोशी आएगी क्योंकि तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज से नहीं आज सात आठ साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर आपको मैं 45 मिनट की दे दूंगा या एक घंटे की वीडियो दूंगा तो आप करोगे कि 1.5 की स्पीड देखूंगा फटाफट मेरा आधे घंटे में हो जाएगा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है आपके दिमाग में बात समझ है तो इसलिए मैं क्या करता हूं ट्राई करता हूँ कि आपको जो भी क्लास दी जाए वो मैक्सिमम आपका एक घंटा रहे अब ऐसा नहीं कि वो एक घंटा ही रहता है वो डिपेंड करता है मान लो एग्जाम पास आ गया तो मैं मैराथन क्लास भी लेता हूँ मैंने ली है तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे ऐप भी लिए हैं और वो तो लूंगा ही तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या -क्या पढ़ा ताकि रहे इस और जरूरी है बताओ तो इसलिए ये तरीका होता है पढ़ने का जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे आपको भी पढ़ना है कैसे पढ़ना है ऐसे ही आपको भी पढ़ना है कि मेरे दोस्त की आप जब भी पढ़ें और जब पूरा पढ़ के आप उठने वाले हों उठने से पहले एक बार आप जरूर सोच लें कि आपने पढ़ा क्या लिटरली आपको खुद रियलाइज होगा कि मैंने सच में पढ़ाई की टाइम पास किया था मैंने तो इसलिए ये काम जरूर करना आप एक तो ये उठने से पहले वाला काम और एक रात में जब सोते हैं ना आप लोग तो उस टाइम पे लेट कर आप सोचिए कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया तो आपको ये आईना दिखा देगा विश्वास मानिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बहुत सीरियस लोग हैं उनको बोलने जरूरत नहीं है वो खुद ही कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अभी जस्ट नए नए फील्ड में आए हैं तो इसलिए याद रखिए नए नए फील्ड में आए हैं तो उसको मेंटेन रखिए ठीक है और सोचिए और डेली करिए आप ये डेली अगर आपके हैबिट में आ गया है मैं लिख के देता हूं आपके अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आएगी चलिए आइए फटाफट देखते हैं इसको फिर इसके बाद एंड करते हैं तो आवेश क्या आपका है भाई आपको पता ही है आपने देखा यहां पर है तो बी जीरोक्वल जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है और वेरिएबल है तो क्या होगा आगे बात करते हैं आपका कि भाई एन ए प्लस और सीगल माइनस आपने देखा था फिर आपने देखा भाई एडिटिव यानी कि आपका ऐड कर सकते हैं फिर आपका ऑफ चार्ज होता है आगे बात करते हैं क्वांटाइजेशन आपका होता है चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है अधिस राशि होती है थोड़ा स्पीड रहेगा नो डाउट तो आप स्लो कर लेना वीडियो को ठीक है क्योंकि तो रिविजन कर रहे हैं फटाफट तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा बाकी इसको आप क्या कर लीजिएगा थोड़ा स्लो कर लीजिएगा वीडियो को अगर आपको लगता हो कि हाँ थोड़ा फास्ट है तो स्लो कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा ठीक है लाइक जो होते हैं वो रिपेल करते हैं अनलाइक जो होते हैं वो अटेंड करते हैं आपका चार्ज जो होता है मूव कर सकता है चार्ज अपना न्यूट्रल होता है नहीं मास के साथ होता है। मास नहीं होगा तो आपका चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट आपका, आपका अधिक राशि है एम्पियर सेकंड होता है चार्ज पर वक्त जो होता है वोल्टेज बोल देते हैं आप उसको वी को डब्ल्यू बाई क्यू हो जाता है वर्क आपका जो होता है जूल में होता है और वोल्टेज फिर आपका वोल्टेज ई एम एफ पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है आपने वो देखा आपका जो आपका टॉपिक है पीड़ी क्या होता है कैसे होता है मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया फिर पावर क्या होता है शक्ति इसको बोलते हैं फिर ऊर्जा क्या होती है हमने ये बातें की तो जो बेसिक पार्ट आपका था जो हमारा टारगेट था वो हमने यहां पर अचीव कर लिया बात समझ में आई भी धोखा भाई जो आपका बेसिक पार्ट था हमने वो यहां पर अचीव कर लिया यानी कि हमारा जो मेन मोटो था ये वाला ये पूरा आपका कवर हो चुका है अब हम करेंगे पहले क्वेश्चन तो कल का जो दौर रहेगा वो क्वेश्चन का दौर रहेगा भाई करंट से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आवेश से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वोल्टेज से कैसे पूछे गए हैं सब पे हम लोग पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे पहले ये तरीका होता है पढ़ने का और पढ़ाने का भी क्वेश्चन करेंगे तो जो हो सकता है कुछ टॉपिक मिस हो गए हो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक टॉपिक मैंने कवर किया है यहां पर बहुत सारे टॉपिक ऐसे होता नहीं कि नाइनटी नाइन परसेंट थ्यूरी में कवर होता है और फिर क्वेश्चंस करने पर आपको आइडिया लगता है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं बहुत सारी थ्योरी क्वेश्चन पे भी आपके आती है ठीक है तो इसलिए ये दोनों बैलेंस रखना जरूरी है थ्योरी एंड क्वेश्चंस अभी जो ऊर्जा वाला पार्ट है थोड़ा उसमें बचा हुआ है पहले मैं आपको खत्म करूंगा वो नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एकदम मजेदार जो आपके प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम -अल में आए हुए हैं ठीक है या तो किसी कोई दिक्कत कोई समस्या कोई तकलीफ अगर आपको कोई तकलीफ कोई समस्या आती है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने आपका अगर जिम्मा लिया है अगर आपने मुझे भरोसा किया हुआ है तो यही कारण है क्योंकि मैं आपको प्योरली पूरा सपोर्ट आपको जो मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप आराम से मुझ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप मुझसे बात भी कर सकते हैं एज ए टीचर मुझे क्लासेस लेनी होती है आप मुझसे टाइम ले लीजिएगा मैं आपको टाइम देकर बता दूंगा कि हाँ इसमें आप बात कर सकते हैं अगेन डाउट वही पूछना है जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ठीक है बाकी कोई और तकलीफ होगी कभी कभी आपको एंजाइटी फील होती है कोई दिक्कत आती है तब भी मैं आपसे बात कर लेता हूं मैंने बोला ना कि ये जो फी है ये मेरी जो आपके प्रति जो वो है ना कहते ना कि आपको सपोर्ट करना वो है ये अगर आपको लगता हो कि वर्थी रहे तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं लेकिन याद रखिए ये जो चीज आपकी है ना ये चीज आपको जल्दी मिलती नहीं है ठीक है एनिवे anyway, जो भी है बाकी आपकी इच्छा है क्लास आपकी यूट्यूब पे भी चलती रहेंगी ऐसे ही और आपका ऐसे ही ऐप पे चलता रहेगा और एक और चीज आपका आर आर बी जी कम्बो का हमने प्लान किया हुआ है मैंने आपको बताया था ना कि भाई ए एल पी और जेई का अलग अलग लेंगे तो थोड़ा कॉस्ट पड़ेगा आपको तो ए एल पी जेई को हमने मर्ज करके ताकि आप दोनों कोर्स देख पाए उसका प्राइस हम बताने वाले हैं आपको तो आज आपका वीडियो जो रहेगा उसमें आपको बताया जाएगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गाइस हैव अ ग्रेट डे बाय बाय टेक केयर ध्यान किए अपना हस्त रहिए मुस्कुराते रहिए बाकी जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक की क्लास चल रही है और बहुत धमाकेदार चल रही है उम्मीद करता हूं धमाकेदार चल रही होंगी मैं तो अपनी तरफ से तारीफ करूंगा ही करूंगा ना चलिए जाने के नाम बाय बाय टेक केयर